हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड खेलने से कबल अपोजिशन की एक और बैठक। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ बिलावल हाउस में मुलाकात करेंगे। अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़ भी वक्त में शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। हुकूमती नाराज अरकान को भी एतमाद में लेने पर भी बातचीत होगी। साबिक सदर लीगी वफ के एजाज में इशारा देंगे। हर कीमत पर अदम एतमाद आएगी और हुकूमत घर जाएगी। ऑपोजिशन की नंबर गेम पूरी होने पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। अदम एतमाद कामयाब होने तक हमारी मुशावरत सीगाए रास में रहेगी। नून लीग फौरी नए इंतखाबात चाहती है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद का चैलेंज, वजीर आला पंजाब इन एक्शन। वजीर आला का इतिहादियों, हम ख्याल और तरीन ग्रुप से राब्तों का फैसला। वजीर आला पंजाब पार्टी के अरकान असम्बली से सियासी उमूर पर मुशावरत करेंगे। खाद की किल्लत, टैक्सों में इजाफा, महंगी बिजली नामंजूर। हुकूमती पॉलिसियों के सताए किसान सड़कों पर। मंसूरा से ठोकर न्याज बेग तक एहतजाजी रैली, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। किसानों का ठोकर न्याज बेग पर धरना। मुजाहरीन ने ठोकर को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुल्तान रोड और केनाल रोड पर ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुतालबात तस्लीम न होने पर किसानों का पंजाब असम्बली की तरफ मार्च करने का ऐलान। किसानों से इजहार यकजहती, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने में पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि किसानों को निचोड़ा जा रहा है। वजीर आजम कहते हैं कि सुकून कब्र में है। मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है। किसानों को रिहा ना किया गया तो अवाम असम्बली का घेराव करेंगे। पीका ऑर्डिनेंस काला कानून करार। मुल्क भर की वकला तंजीमों ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ ऐलामिया जारी कर दिया। हाई कोर्ट बार और टैक्स बार ने भी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार दे दिया। हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 चैलेंज। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अयूब एडवोकेट की पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस सहाफियों की आवाज़ दबाने के लिए लाया गया। हुकूमत ऑर्डिनेंस लाकर अपने मजमूम मकासद पूरे करना चाहती है। दरख्वास्त गुजार। बुज़दार सरकार का पहला मेगा प्रोजेक्ट जीनो आराइश का मंतजर। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास पर ब्यूटिफिकेशन का काम ना हो सका। नवंबर 2020 में फिरदोस मार्केट के मुकाम पर अंडरपास बनाया गया था। तजीनो आराइश बेहतर ना होने पर वजीर आला पंजाब का इजहार बरहमी। एलडीए ने दोबारा अंडरपास की खूबसूरती का प्लान बना लिया। मंसूबे पर 44,74,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। अशिया खुरोनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। दर्जा दुइम का घी मजीद 3 रुपये फी किलो महंगा, कीमत 395 रुपये हो गई। दाल चना 2 रुपये महंगी, फी किलो कीमत 152 रुपये मुकर्रर। डब्बे वाला दूध 5 रुपये महंगा, कीमत 170 रुपये फी लीटर हो गई। डब्बे वाले दूध की नई कीमत का इतलाक 1 मार्च से होगा। अमरीकी डॉलर के रुपए पर वार जारी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 48 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 174.23 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपये में फरोख। कोरोना फैलाव की शिद्दत में कमी, पाबंदियां नरम। तमाम कारोबार 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त। शादी हॉल्स इंडोर डाइनिंग में 500 अफराद बुला सकते हैं। ओपन हॉल में लातादाद अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। सिनेमा हॉल्स और पार्क्स में भी वैक्सीनेटेड अफराद को इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 80% अफराद सफ़र कर सकते हैं। ट्रेन में 100% वैक्सीनेटेड अफराद को सफ़र की इजाज़त होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली से वफाकी वजीर की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सियासी साख को मद्देनजर रखते हुए मुल्की मुफाद में फैसले करेंगे।
और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। एहतसाब का अमल जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। सूबाई वजीर मियाँ महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर सप्तैन खान बोले, वजीर आजम की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को कामयाब बनाएंगे, शहरी अपने घरों में एक एक पौधा जरूर लगाएं।